हाय गाइस, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं टेकलोन। गाइस, आज हम रेनॉल्ट काइगर के RXL मॉडल का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इसके बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाला मॉडल है। मैं इसके टॉप वेरिएंट का ऑलरेडी रिव्यू पोस्ट कर चुका हूं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे आई बटन से आप देख सकते हैं। मैं आपको अभी इसके इंजन स्पेक्स बताता हूं। इसके अंदर आपको 1 लीटर टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको 160 Nm की टॉर्क एंड 100 की BHP प्रोवाइड करेगा। तो अभी इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके आप फ्रंट को देखते हो तो आपको यहाँ पर LED DRLs दिए गए हैं, उनके नीचे इंडिकेटर्स को माउंट किया गया है एंड इनके नीचे अगर आप देखते हो तो आपको हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर यहीं पर आपको LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं, बट इसके अंदर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। और यहाँ अगर सेंटर में देखते हो तो आपको यहाँ पर क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में रेनॉल्ट का एक बड़ा सा लोगो दिया गया है। तो फ्रंट में जो इसका डिज़ाइन है ना, एंड स्पेशली इसकी जो कैरेक्टर लाइंस हैं, वो इसके फ्रंट को एक स्पोर्टी एंड एक मैसिव लुक देती हैं। साइड से जब आप इस गाड़ी को देखते हो ना, तो आपको ये स्टाइलिश नजर आती है। इसकी साइड प्रोफाइल में एक एग्रेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको ब्लैक कलर के ORVMs दिए गए हैं, जिनके ऊपर इंडिकेटर्स को यहाँ पर माउंट किया गया है। यहाँ डोर हैंडल्स पर जब आप नजर डालते हो तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। ये लगेज कैरिंग रूफ रेल्स नहीं है, ये सिर्फ इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल को एक स्पोर्टी लुक देने के लिए यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर जब आप इसके टायर्स की बात करते हैं तो 16 इंच के टायर्स इसके अंदर दिए गए हैं, जिनके ऊपर इस तरह के कुछ आपको व्हील कवर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके रियर साइड में भी एक अग्रेसिव फील देने की कोशिश की गई है, ये काफी मस्कुलर नजर आती है पीछे से। यहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको डिफोगर एंड वाइपर मिलते हैं, बट इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर आपको सी शेप सिग्नेचर टेल लैंप्स दिए गए हैं, जिसके साथ में आपको रेनॉल्ट की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ सेंटर में फिर काइगर की बैजिंग दी गई है, जिसके ऊपर रेनॉल्ट का एक छोटा सा लोगो है। इसके सेंटर में टॉप एंड वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको एक 360 डिग्री कैमरा दिया जाता है, बट यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ। आपको यहाँ से जस्ट एक बटन प्रेस करना है और इस साइड पर आप लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस अवेलेबल है। ये 405 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस आपको मिलता है, जिसमें आप अच्छा खासा लगेज यहाँ पर रख सकते हो। जो बेसिकली रियर सीट्स रहेंगी ना, आप उनको 60-40 के प्रोपोर्शन में फोल्ड कर सकते हो, और उसको फोल्ड करने के बाद में ये जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा और इनक्रीज हो जाएगा। आप जैसे गाड़ी के अंदर आते हो तो आपको एक बेसिक सा इंटीरियर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी अच्छी है। एक SUV में आप थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पर बैठते हो, बट क्योंकि एक सब कॉम्पैक्ट SUV है तो आप ठीक ठाक हाइट पर यहाँ पर बैठे हो। और यहाँ से जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, आपको रोड एंड बोनट आराम से दिख जाएगा। इसकी जो सीट्स हैं काफ़ी कम्फर्टेबल हैं एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। स्टेयरिंग की अगर बात करें तो इसका जो स्टेयरिंग है ना वो काफ़ी स्टिफ है। यहाँ पर आपको लेदर रैप स्टेयरिंग नहीं मिलता, और इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स भी नहीं मिलते, जो कि आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं। स्टेयरिंग के बॉटम साइड पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर बिल्कुल ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी एलिगेंट लगता है। इसके अंदर आपको डिजिटल मिलता है, बट एक बेसिक सा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर साइड में MID दी गई है, जिससे आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेंटर कंसोल यहाँ पर आपको ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी गई है, तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है क्वाइट ओके है। आप इसे ब्लूटूथ से एंड USB से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको R&Go का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए गए हैं। इनकी ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है। इसके नीचे आपको यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं 2, और उनके नीचे कुछ बटन्स दिए गए हैं। इनकी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर जैसे कि ये लॉक अनलॉक के लिए बटन दिया गया है। इन बटन्स के नीचे आपको कुछ डायल्स मिल जाते हैं, जिनसे आप फैन स्पीड या AC की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये एरिया है, इसके ऊपर आप अपने फ़ोन को रखकर कैरी कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर सर्कल देख रहे हो, ये यहाँ पर कुछ शेप्स बनाई गई हैं। ये बेसिकली ये जो यहाँ पर शेप है ना, यहाँ पर आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, बट इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर की लगाकर इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर सिर्फ सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए एक सर्कल बना दिया गया है। ये जो एरिया है, इसके अंदर आप अपने फ़ोन को रखकर कैरी कर सकते हैं, तो ये आपके फ़ोन के लिए स्टोरेज स्पेस का काम करेगा। यहाँ पर आपको गियर मिल जाता है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और स्टोरेज स्पेस दिया गया है। यहाँ पर ये जो एरिया है ना, अगर मैं इसे ओपन करूँ आर्मरेस्ट को, तो यहाँ पर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। तो इसके अंदर आप कुछ भी रखकर कैरी कर सकते हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर देगा चीज़ों को रखना। और ये जो आर्मरेस्ट है ना, यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है, तो ये ड्राइवर के लिए एक प्लस पॉइंट वाली चीज़ है। यहाँ ड्राइवर साइड डोर पर जब आप नज़र डालते हो तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है।
यहाँ पर आपके लिए 1 लीटर की 2 बॉटल्स के लिए अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, और ये आपको डोर हैंडल दिया गया है यहाँ पर, जिसे आप पकड़कर आसानी से डोर को बंद कर सकते हो। यहाँ पर फिर आपको साइड मिरर्स के लिए एंड सभी विंडोज के लिए पावर कंट्रोल अवेलेबल है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है, और डोर हैंडल के ऊपर भी ब्लैक पियानो फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं रियर साइड के कंफर्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लेग स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कंजेशन फील होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थाई स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आप आराम से यहाँ पर बैठ के ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा फैटीग के। यहाँ पर हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मेरे को अवेलेबल है। यहाँ पर आपको 3 सीट्स मिल जाती हैं। मिडिल वाली जो सीट है वो चाइल्ड सीट रहेगी, बट यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पर अडल्ट भी आराम से बैठ सकता है। इन 2 सीट्स के लिए आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं। फ्लोर की अगर बात करता हूँ तो इसका जो फ्लोर है ना वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिसकी वजह से जो मिडिल वाला पर्सन होगा उसको हाई नी पोजीशन में नहीं बैठना पड़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है आपके कंफर्ट के लिए। ये जो सेंटर वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 AC वेंट्स मिलते हैं, एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जिससे जो रियर पैसेंजर्स होंगे उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। रिनोल्ट टाइगर का ये वाला जो वेरिएंट है ना, इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो रहेगा 7,14,000, क्योंकि इसके अंदर टर्बो इंजन है, एंड जो इसका नॉन टर्बो इंजन वाला वेरिएंट है ना वो इससे 1 लाख सस्ता रहेगा, यानी कि जो इसका एक्सशोरूम प्राइस होगा वो होगा 6,14,000। तो गाइज ये था रिव्यू दी ऑल न्यू रिनोल्ट टाइगर के RXL वेरिएंट का। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।